अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ जी इवनिंग से। धूप निकली हुई थी थोड़ी सी, पहले 2 दिन बारिश पड़ी हुई थी, पड़ रही थी तो इतनी ज़्यादा कोई व्लॉगिंग नहीं मैंने की, कोई वीडियो शूट ही नहीं की। ये आई थी मैं ऊपर थोड़ा सा परिंदों के लिए बाजरा वगैरह रखने के लिए। अम्मी कह रही थी कि रख के आओ, कभी कभी रख देते हैं, कभी कभी याद भूल जाते हैं। ये ऊपर का व्यू, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। नीचे एक गैराज में 2 दिन से कोई काम ही नहीं किया था, कोई सफाई वगैरह नहीं की थी। और ये जो तीन गमले हैं, इनमें ना छोटे से प्लांट लगे हुए हैं, मतलब एरोकेरिया। और तो वो बारिश में रखे हुए थे कि उनको थोड़ा सा पानी बारिश का लग जाए। और मैंने फिर सोचा कि उनको भी उनकी जगह पर रख देती हूँ वापस, और साथ में गैराज को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, चीज़ें वीज़ें उठा लेती हूँ जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। उसके बाद मैंने क्लीन वगैरह कर लिया था ये गैराज। तो उसके बाद ये मैं ना मेट्रो वालों का खुद ही लॉन्च किया हुआ है, ये जैसे हार्पिक नहीं होता टॉयलेट क्लीनर वो है, तो वो मैं ये डाल रही हूँ एक छोटी बोतल में। इतनी बड़ी कहाँ उठा के बंदा लेके जाता है। ये गैराज में एक अलमारी बनाई हुई है, उसी के अंदर रख देते हैं बड़ी वाली, बाकी छोटी जो है ना इसको फुल कर लूँगी मैं। सॉस वाली शीशी है ये वाली, इसके अंदर छोटी सी है, इजी रह जाती है बंदा अगर बात वगैरह में रखनी हो तो। सर्दी की वजह से इतनी इसकी जेली टाइप हो गई थी जमी। मुझे ये सब क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद कपड़े प्रेस करूंगी, मतलब हद होती है। यहाँ पे हो गए हैं जी मेरे कपड़े प्रेस। अब देखो नहाने की बारी आती है कि नहीं। अम्मी मुझे बोल रही थी कि दोपहर के टाइम नहा लेती, थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, अब अभी ना नहाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहाना ही है, जो मैंने जिद पकड़ लिया, जो मैंने काम करना है वो मैंने करना है, अगर नहीं करना तो नहीं करना। तो वो कपड़े प्रेस करके हटी थी ना, आने के लिए जा ही रही थी, तो अम्मी ये कुछ गोल तकिए नहीं होते वो सिलाई कर रही थी, तो ये इसको ना खींचना पड़ना था, वेलवेट है ना, तो वेलवेट को खींच खींच के ये सिलाई हो रही थी, सिलाई लगा रही थी अम्मी। तो मैं फिर ये करने लग गई अम्मी के साथ। अम्मी को तो सुकून नहीं आता जब तक अम्मी ना दिन में कुछ ना कुछ सिलाई या कोई टांका वगैरह ना लगा लें। अम्मी की तबीयत ख़राब थी, फिर भी अम्मी को जुनून चढ़ा होता है जी, कुछ ना कुछ करना है। मैंने अम्मी कहती है कि अगर मैं कुछ ना करूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेकार हूँ, मतलब कोई काम है ही नहीं है, ऐसी मैं पड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे फिर अम्मी ये सिलाई करने लग गई थी, बहुत अच्छे बने हैं। जब मैं ना कवर उनके ऊपर चढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने नहा लिया था ये अम्मी के साथ, अम्मी की हेल्प करवाने के बाद। फिर नहाने के बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में। अम्मी की तबीयत ख़राब है तो इस वजह से काम मुझे करना पड़ेगा।
ये सारे बर्तन और साथ में खाना बनाऊंगी मैं। शलजम बनाए थे मैंने पहले, कुछ और सोचा था, फिर शलजम पड़े हुए थे तो मम्मी कहती शलजम बना लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक साइड पे ना पानी ऐड करके ना एक कप या एक गिलास उसको ना डाम के, शलजम धो के वाश करके ना इसको डाम के रख देते हैं पकने के लिए, जब जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते, और एक साइड पे ये मसाला भून लेते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ इसके अंदर प्याज डाले हैं और ऑयल, ऑयल के अंदर मैं इसको बस अब फ्राई करूँगी। गोल्डन फ्राई करना है, ना ज़्यादा और ना ही कम, थोड़े लाइट गोल्डन ही अच्छे लगते हैं। तो जी ये कर लेती हूँ साथ साथ, फिर बस रख के दोनों साइड पे साथ में फिर बर्तन धोने लग गई थी। फिर रात को ज़्यादा काम नहीं होता इस वजह से। अब इनको थोड़ा सा और गोल्डन करूँगी मैं इन प्याजों को, फिर बाद में इसके अंदर मैं थोड़ा सा लहसुन डाल दूँगी और साथ में थोड़ा सा टमाटर डाल के, तो इसको पानी के अंदर फ्राई कर थोड़ी देर के लिए ना सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। अभी ये मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, फिर टमाटर वगैरह ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल के, तो थोड़ा सा इसको पानी डाल के छोड़ दिया था इसे, ताकि थोड़ा सा मसाला जो है सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी चिकन, यहाँ पे चिकन हो गया जी फ्राई और शलजम जो है वो भी पक गए थे। और इनका जो पानी है ना शलजम का, वो इसको अच्छी तरह स्क्वीज कर लेना है। और इसके बाद मैंने चिकन में ये डाल दिया पालक और मेथी, इसके साथ शलजम में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, फिर पालक और मेथी को ये जो डाले हैं अभी। और यहाँ से भी सारा क्लीन हो गया था, शुक्र है। 2 मिनट के लिए बर्तन तो सिंक से गायब हुए, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर तक वापस। वो भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था शलजम, और मैंने अदरक और ग्रीन चिली भी इसमें कूट के डाली थी। और इसके साथ आज का व्लॉग मैं करती हूँ एंड। आई होप कि आपको आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, और आ जाएं आप लोग भी खा लें खाना। मुझे अच्छा लगता है ये सालन जो है ना रोटी के ऊपर लगा के खाने में, बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है। सामने हीटर पड़ा हुआ है और खाना गर्मा गर्म। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।